सभी भाइयों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़ें, जो भी भाई ऑनलाइन हो। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। राम राम सर। रोहतास जी राम राम आपको। राम राम भाई गजराज सिंह मेरे भाई को राम राम। रोहतास सिंह जी को राम राम। सभी भाइयों को राम राम। जो भी भाई ऑनलाइन है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक जवान और किसान पुत्र होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि भाई पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भाई ऑनलाइन है, सभी जुड़े भाई, मेरे सभी भाइयों से निवेदन है और पोस्ट को शेयर करें। ये मेरे लिए नहीं, एक किसान हित की बात है और मैं एक जवान किसान पुत्र और जवान होने के नाते आप सबके सामने बात रख रहा हूँ। मेरा 1% इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना ही मैं स्वार्थ की बात करता हूँ। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी भाई ऑनलाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 4 तारीख को एक किसान के नाम पे, जवान और किसान होने के, 4 तारीख को रविवार 4 दिसंबर 2022 को नंदी भूमिया कटारा में एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान महापंचायत रखी जा रही है। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन को महत्व रखते हुए ये किसान पंचायत रखी जा रही है और इसमें सब पूरे किसान भाई, जितने भी सर्व समाज के किसान भाई हमारे लिए सम्मानीय हैं और किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़े ताकि अपनी बात को आगे रखें। शेयर भी करें सभी भाई और जो भी ऑनलाइन है वो जुड़े प्लीज भाई। अजब साहब राम राम। टीआर साहब राम राम। पूरा मेरा जो निसूरा गांव है वो हमारी नंदी कढ़ाए का, निसूरा तिघरिया जितने भी नंदी कढ़ाए के 360 गांव हैं, मैं तो हमेशा 360 गांव की बात रखता हूं साहब। और नदी के किनारे जितने भी जो गांव बसे थे किसान हित के लिए, इसलिए बसे थे कि भाई यहाँ नदी है, नदी के किनारे बसेंगे, हमें हमेशा पानी मिलेगा। आज मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गंभी नदी करौली से लेकर भरतपुर के कोहनी बांध से होते यूपी के यमुना तक बहती थी और भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए ये पांचना बांध बनाया गया था। जब ये पांचना बांध बनाया गया था उस टाइम में शर्त रखी गई थी कि नदी के दोनों तरफ नहरें निकालकर किसानों को खेती की सिंचाई के लिए नदी पर ब्याना बांध, कंजौली बांध और दुर्गसी घटा बांध का निर्माण होना था, जिनकी भराव क्षमता 625 MCFT एवं डेड स्टोरेज 20 MCFT था। नदी क्षेत्र के साथ 1977 में भी धोखा करके बयाना बांध, कंजौली बांध एवं दुर्गसी घटा बांधों का निर्माण नहीं करके अकेला पांचना बांध का निर्माण किया गया था। पांचना बांध का निर्माण हो गया, पांचना बांध की जो भराव क्षमता थी वो 625 MCFT थी, अब उसको बढ़ा के 2100 MCFT डेड स्टोरेज कर दिया और उसका डेड स्टोरेज था वो 20 MCFT से 240 MCFT कर दिया और दोनों तरफ नहरें भी नहीं निकाली गंभीर नदी के, और जो पानी का रास्ता नदी के बजाय कमर नहरों की तरफ बदल दिया। हम किसान की कोई जाति नहीं होती, हमने बार बार ये किया है और हम किसान होने के नाते हर सर्व समाज का सम्मान करते हैं और किसान भाइयों को सलूट करते हैं। हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, राजनीतिक लोग इस मुद्दे को हमेशा वोट की राजनीति में बदलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उस दिन जब करौली के अंदर जल वितरण समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, उससे पहले इन्होंने जो ग्राम उत्थान युवा कमेटी बनी उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमारे
लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे महेंद्र जी कैमला हैं, मैं उनके लिए बोल देता हूँ, रघुवीर जी भी हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ और अच्छे लोग हैं। लेकिन बुजार ताजिब की बात है कि 360 गांव अगर पांचना बांध सिंचाई के उद्देश्य बना हुआ हो तो मूल प्रति ला के दे दो और आप पांचना बांध का पानी कहीं ले जाओ, हमें कोई दुख नहीं उस चीज का। पांचना बांध जब उस टाइम बना हुआ था, जब इसका निर्माण हो रहा था, तब भरतपुर को बचाने के लिए ये चीज आई थी। उस टाइम भी राजनीतिक आई थी, लेकिन वो जिलों की लड़ाई में बांट के राजनीतिक लोगों ने, जब इसमें राजनीतिक रोज घुस गए थे तो उन्होंने अपनी वोट की स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कार्य किया था। भोले भाली किसान जनता को और सबको अपने मन में भोके विश्वास में रख के, और हमारे साथ उस टाइम भी धोखा किया गया था और अब भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैं जब जल वितरण कमेटी से मेरा निवेदन है, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप लोग शासन प्रशासन के अधिकारियों का हम बड़ा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ना हम विवाद चाहते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है किसान और जवान की बात को आप ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय निकालो। मैं कमांड एरिया के लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, 39 गांव को भी पानी मिलना चाहिए, उनकी ज़मीनें गई हैं, सारा कुछ सिस्टम हुआ है, लेकिन जो 360 गांव नदी के ढाई पे बसे हुए हैं वो किसान भाई आज कितने परेशान हैं। नदी में 30 साल से पानी नहीं आ रहा है, और भरतपुर केवला देवता को हम गए हैं, केवला देव के अंदर आप ताजिब करोगे कि भरतपुर घना के लिए गोवर्धन डैम से 171 किलोमीटर की दूरी को 56,20,00,000 तथा भरतपुर पेयजल योजना के लिए 11/10/2011 में घना के लिए पानी छोड़ा गया, जबकि गम्मी नदी के रास्ते 360 गांवों को जलापूर्ति करने के लिए बिना किसी लागत के ये पानी गम्मी नदी के रास्ते जा सकता था। और भरतपुर केवला डैम में जो गम्मी नदी से पानी जाता है उसी से जीव जंतु और वो सारे चीज बचते थे, क्योंकि उनके लिए जो भोजन था वो गम्मी नदी से ही जाता था। अभी जो पानी आ रहा है उससे घना पक्षी के सिर्फ आप पौधों को बचा सकते, जीव जंतु को नहीं बचा सकते थे। लेकिन साथियों, हमारे साथ हमेशा ये राजनीतिक लोग धोखा करते हैं। कमांड एरिया के लोगों से मेरा निवेदन है, हम आपका कभी ना विरोध किया ना ही करेंगे, हमेशा हम किसान हित की बात करते हैं और किसान हित में रहेंगे। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ऐसा काम करो जिससे सबका, सब समाज का, किसान का भला हो। ये राजनीति लोगों के चक्कर मत पड़ो। मैं सम्मानीय उस विधायक जी का, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, और घोषणा में पांचना जगत लिफ्ट की योजना को घोषित किया जा चुका है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार जी, आप लोग उसके लिए क्यों नहीं बोलते कि आप लोग चंबल को पांचना से जोड़ो, 22 किलोमीटर है और उसमें 700 करोड़ खर्च हो रहा है। आप लोग 5G मोबाइल दे रहे हो, कोरी मतलब किसान के लिए धोखा कर रहे हो हमेशा, और आप लोग तो चाहते हो गंगापुर के अंदर कि मैं तो इसको बस समाजों को लड़ाऊं। आपने उस दिन भाषा बोली थी कोई बंद में गिरेगा, साहब सॉरी, बंद में ऐसी अमर्यादित भाषा का एक जनप्रतिनिधि कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और हम तो सम्मान करते हैं हर जनप्रतिनिधि का, हर अधिकारी का, हर बड़े का, और हमारी ये भावना रही है कि हम किसी के साथ कभी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक जनभावना का और किसी के सम्मान का आप गलत फायदा मत उठाओ। लेकिन हम भी जानते हैं इस चीज को, फायदा काम वो करो जिसके अंदर सबका भला हो। पानी सबको चाहिए, आप ऐसी योजना क्यों नहीं उठाते जिसमें सबका भला हो? क्यों जनता को उलझाते रहते हो अपने वोट के चक्कर में? एक आदमी के भले के लिए आप समाजों को लड़ाते हो। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरी किसान कौम से मेरा निवेदन है, 4 दिसंबर को 360 नंदी की ढाई के गांव अधिक से अधिक किसान भाई महापंचायत में कटारा पहुंचे। सर्व समाज किसान हित की हम बात करते हैं, और हम जवान होने के नाते आगे भी किसान हित की बात करेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हमको उलझाएगा और इस बात को अगर गलत तरीके तोड़ मोड़ के करेगा, पानी पे राजनीति करेगा, उसको किसी भी चीज में बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक जवान होने के नाते आपसे ये बात क्लियर कह रहा हूं।
आप जिसको वोट देते हो उस वोट वाले की, जो एमएलए एमपी बना आजकल, उसकी भी स्थिति घर की देखो और एक किसान की भी स्थिति देखो आप। आज किसान पानी के लिए तरस रहा है, आज किसान बिजली के लिए तरस रहा है, और बात करते हैं हर चुनाव के अंदर राजनीति की कि हम पानी देंगे, लाइट फ्री देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम वोट देते हैं और आप हमारे पीछे बनते हो, लेकिन आप लोग हमारा हनन करते हो बनने के बाद। अब ये चीज नहीं चलेगी, जनता जागरूक हो गई है और हम जवान अब इस चीज में जुड़ चुके हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि का हमारे पास डाटा है, आज तक क्षेत्र में नहीं आता, ना ही उनको कोई सड़कों की चिंता है, ना पानी की चिंता है। और हां, मैं करौली जिले के लिए, करौली जिले की जनता के लिए, गंभीर नदी के लिए आप तक क्या स्टेट क्लियरमेंट है वो बताओ मुझे। आपने आज तक गंभीर नदी के मुद्दे को कहीं उठाया? नहीं उठाया। आने वाले चुनाव में हम आपको दिखा देंगे कि जब आप जनता के लिए पानी नहीं दे सकते, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा सकते, रोड लाइट आप दे नहीं सकते किसान के लिए, तो आप किसके लिए जनप्रतिनिधि हो? सिर्फ जनता को लड़ाने के लिए जनप्रतिनिधि हो? नहीं चलेगा साहब। साथियों, जितने भी भाई जुड़े उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान पुत्र और जवान होने के नाते इस लड़ाई को मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ना ही मेरे अंदर जातिवाद है, एक जवान होने के नाते हर समाज का हम सम्मान करते हैं। हम किसान हैं, हम जवान हैं, हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। हमें पानी चाहिए, गंभीर नदी का पहला हक है पानी का। अगर पांचना बांध सिंचाई के लिए बना हुआ हो तो हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, आप पांचने बांध कर कहीं पानी लेके जाओ। लेकिन एक विधायक जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है उसका मैं घोर विरोध करता हूं, और उस दिन भी करके आया था। मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी भाई जुड़े हैं इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और 4 दिसंबर रविवार को ज्यादा से ज्यादा भाई किसान महापंचायत कटारा अजीज पहुंचे। हम सर्व समाज और किसान हित की बात में हैं, और किसान के लिए पानी चाहिए साहब। पानी गवर्नमेंट की अगर मंशा सही हो तो पानी ला सकती है, गवर्नमेंट फालतू की योजना चलाती है। हमें तो ताजे बात है, बोलो मोबाइल देने, किस लिए देने साहब मोबाइल? कोई जरूरत नहीं हमें मोबाइल की। जब पानी आ जाएगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, जब हमारे पास पैदा होगी, अच्छी सरसों होगी, सब कुछ कर लेंगे साहब हम। 2023 में वो गया जमाना, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हर युवा जागरूक है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जो अपने आपकी बात नहीं उठाई हो उसका घोर विरोध करो। मैं छाती ठोक के विरोध करता हूं और आने वाले समय में भी करता रहूंगा। अगर किसान को और जवान को अपना हक नहीं मिला, किसी जनप्रतिनिधि को मैं क्षेत्र में नहीं घुसने दूंगा। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी भाई जागरूक रहो, सभी पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जीवन में हमें हमारा हक चाहिए। हम वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अच्छा वो जनप्रतिनिधि 5 साल हमारा इस्तेमाल करता है, बड़े शर्म की बात है। अपने हकों को जातियों में बांट के लड़ाता है। हम सबसे बड़ी मानव जाति है, मानवता में प्यार प्रेम भाईचारा जहां आप रखोगे बड़ा जिंदगी जीने में आनंद आता है। भाईचारा, आप जहां प्यार है वहां सब कुछ है, लेकिन ये हमेशा जहर घोलते हैं। 5 ना पे 17 साल से राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो 17 साल से नहर नहीं निकाल पाई, पानी नहीं दे पाई। गंभीर नदी जो 30 साल से सूखी पड़ी हुई है, शर्म आनी चाहिए चारों विधायकों यहाँ के को, और मैं तो उसको सांसद को भी ये करता हूं। 10 साल से सांसद है यहाँ करौली धौलपुर का, क्या स्टेटमेंट आया उसका? मोदी जी के नाम पे आप वोट लेके शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक जनता का आप हनन करते हो। अब नहीं चलेगा ये साहब। ये जवान और किसान जाग चुका है,
और जवान और किसान की बात हम दमखम से रखेंगे। हम हर चीज का सम्मान करते हैं और करते आएंगे, लेकिन अगर जवान और किसान की आवाज आपने दबाई तो बख्शा नहीं जाएगा किसी कुसीरत पर। जितने भी भाई जुड़े ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पोस्ट को शेयर करें, और 4 दिसंबर को मेरा एक बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसान महापंचायत कटारा नंदी भूमिया के स्थान पर रखी गई है। 360 गांव के जितने भी लोग जुड़े हुए नंदी की ढाई के, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्र में सभी भाइयों को जागृत करें। जल ही जीवन है, जब जल ही जीवन है तो हमें तो भाई पानी चाहिए। अब पानी गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? कोई हक नहीं है कि यार प्राकृतिक, जब हमें नदी की ढाई पे बसने का इसलिए मौका मिला था कि हमें यहाँ पानी मिलेगा, हमारे यहाँ जीव जंतु सुखी रहेंगे, हमारे पशु यहाँ हरा घास चारा खाएंगे, तब हम नदी के किनारे रहे थे किसान। और आप किसान और जवान की बात करते हो और बाद में किसान और जवान का हनन करते हैं जनप्रतिनिधि। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को। एक जनप्रतिनिधि जो वो भाषा बोल रहा है उस दिन जल वितरण समिति के अंदर कि ये तो मरेंगे, बंद में कूदेंगे। भाई साहब, आप गंगापुर में उस दिन, आपको पता है आपकी क्या हालत हुई थी? तो आप भगे थे, जहां भी पिटे थे। लेकिन जवान और किसान लड़ाई लड़ता है, पिटने के लिए काम नहीं करता है। जवान और किसान अपने हक की बात करता है। जवान और किसान को क्या चाहिए साहब? टाइम से लाइट दे दो, आप पानी दे दो, भोजन चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की सरकार। आप मुख्यमंत्री के सलाहकार बनते हो और बात करते हो समाज को लड़ाने की। कोई हक नहीं आपको जनप्रतिनिधि रहने का। वोट हम देते हैं और हम अच्छे आदमी को ये सोच के वोट देते हैं कि हर आदमी विकासशील है, लेकिन वो आदमी 5 साल हमको यूज करता है, हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरा आप सभी भाइयों से, सोशल मीडिया में जितने भाई जुड़े हुए हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कमेंट करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप लोग जागृत हो, आने वाले समय में दुनिया आपको बेच रही है, दुनिया आपका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मेरा आप सभी भाई से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसा मत करो प्लीज यार। जमीनी स्तर पे आपने हक के लिए लड़ो। हम वोट देते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि हमारे पीछे, हम किसी जनप्रतिनिधि के पीछे नहीं है। हम उससे अपना हक और अपनी आवाज जमखम से रख सकते हैं। हमें सुविधा चाहिए, आपको वोट दिया, ऐसा नहीं किया। अगर आपको वोट दिया है तो आप हमको सुविधा भी दिलाओगे गवर्नमेंट से, हम बात रखो। शर्म आनी चाहिए 4 विधायक करौली वालों को, जो आज तक भैंजो पानी की बात नहीं रखी उन लोगों ने। क्या आप किसान को पानी दे सकते? क्या कर सकते हो आप लोग? शाम को बस 6 बजे बाद पी के मस्त रहते हो? ये विधायकों की हालत है। लेकिन अब वो जमाना गया, 21वीं सदी का भारत है और हर युवा जागरूक है। मैं तो आप सभी भाई से निवेदन करता हूं, ऐसे साथ रहना, अपनी आवाज को बुलंद रखना। और मैं हमेशा सिपाही था, सिपाही रहूंगा, सर्व समाज का सिपाही हूं, सर्व समाज का रहूंगा, और किसान और जवान की बात हमेशा बुलंद रखूंगा। शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो मैं माफी चाहता हूं। एक बार फिर से, गंभीर नदी का मुद्दा हमारा है और पांचना का जो पानी है उस पर पहला हक गंभीर नदी का है। मेरा शासन प्रशासन से और सभी भाइयों से निवेदन है कि गंभी नदी 360 गांव को आप पानी दो। हमें किसी का ना विरोध करना है, ना ही हम किसी का विरोध करेंगे। हम भाईचारा और सद्भावना से आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें भैया पानी चाहिए। गंभी नदी अभी सूखी नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और अगर किसी के मन में ये शक और शंका है, माननीय हाईकोर्ट में हम भी गए हैं और माननीय हाईकोर्ट का शासन प्रशासन के उस दिन जितने भी अधिकारी आए करौली में, उनका सबको मैं सलूट करता हूँ फौजी होने के नाते। लेकिन अगर कोई गलत कदम उठाया और किसी के प्रति आप लोगों ने ये भेदभाव वाली भावना की किसान के प्रति, तो ये किसान कौम कभी भी शांत नहीं बैठेगी। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान हित में 4 तारीख को आप लोग कटारा आवें और आने वाले समय में 5 नामे भी आवें। पानी सबको मिले तभी हम हटेंगे, नहीं तो किस 17 साल बंद था और 17 साल बंद रह जाएगा पानी। जब पानी खुलेगा, जब सब किसान को पानी मिल जाएगा। कमांड एरिया के हम विरोध में नहीं है, लेकिन कमांड वालों को थोड़ी तो सोचनी चाहिए कि यार ऐसा हल निकालो कि भाई सबका भला हो। उसमें इतने अच्छे अच्छे लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं,
भैया ये नहर कैमला और रोंसी से आगे भी जा सकती थी, मार क्षेत्र हमारा पूरा सूखा पड़ा है, मार क्षेत्र में नहर क्यों नहीं बनी? जातिवाद और भावना तो सबसे बड़े आप फैला रहे हो उस चीज के अंदर। ये नहर कैमड़ा रोंसी तक क्यों गई, आगे क्यों नहीं गई है? पांचना के अंदर जब पांचना का निर्माण हुआ था, वो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, मेरे साथ पूरी मूल प्रति है, आगे भी मैं आपको सब चीज बता दूंगा। लेकिन पांचना में जब चंबल जुड़ जाएगी, सब कुछ पानी आ जाएगा, 309 बांध हैं, वो भी पानी भर जाएगा, सब बांध भर जाएंगे, जब सब जगह पानी की पूर्ति हो जाएगी तो कोई विरोध ही नहीं करेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनको तो हमेशा ये चीज चाहिए, लड़ाने चाहिए, समाजों को बांटो, हमें वोट चाहिए, शर्म आनी चाहिए इसे जनप्रतिनिधियों को। जनप्रतिनिधि सबका होता है और जनता की भलाई के लिए उसको चुना जाता है, लेकिन हमेशा जातिवाद के अंदर, हमेशा क्षेत्रवाद के अंदर इनको लड़ाते रहो। लेकिन अब वो लड़ेंगे नहीं, मेरे युवा साथी, मेरे भाई आजकल सोशल मीडिया पे जागृत हैं और सब भाई समझते हैं इस चीज को कि हमें लड़ना नहीं है, भाईचारे की भावना से हमें रहना है और हमको आगे बढ़ना है। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको जैसे गंगापुर में जूते पड़े ऐसे आगे और जूते देंगे हम। साथियों, मैं एक बार फिर से इस चीज का निवेदन करना चाहता हूं, पांचना का पेच जब ही खुलेगा, इसका पेच जब सब किसान भाइयों का भला होगा तब। अगर इसमें किसी ने कोई राजनीतिक हित रखा, किसी ने अपना क्षेत्रवाद रखा, किसी ने जातिवाद रखा, नहीं बख्शा जाएगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है, अधिक से अधिक पोस्ट को शेयर करें। आपने जो महत्वपूर्ण कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तारीख रविवार को, सभी भाइयों से निवेदन है, जहां जहां आप जानते हैं ये किसान हित में महापंचायत है, किसी भाई का कोई हित नहीं है इसमें, सिर्फ किसान हित और हमें गंभीर नदी में पानी चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भाई अपने हक के लिए, पांचना का पानी गंभीर नदी में सबसे बड़ा पहला हक है गंभीर नदी के 360 गांवों का। और मैं इस 360 गांव की बात हमेशा करता आया हूं और करता रहूंगा अंतिम सांस तक। सब भाई समझदार हैं, बिल्कुल हम 1% भी किसी भाई से ना जातिवाद चाहते हैं, ना क्षेत्रवाद चाहते हैं, ना भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ गंभीर नदी में पानी चाहते हैं, जिससे सबका भला हो, जीव जंतु का, सबका। एक नदी जो 30 साल से सूखी पड़ी है, मैं तो ताजब की बात करता हूं कि आप लोग उसको गंभीर नदी का उसमें मुद्दा तक नहीं था। जल वितरण समिति से निवेदन है कि आपने किस आधार पर पानी बांट दिया भाई? आप किसी से पूछते तो सही, किस आधार पर आपने पानी बांट दिया? गंभीर नदी को पानी कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो बताओ आप मुझे, जबकि आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। और हम भी सबका सम्मान करते करते आएंगे, लेकिन हमें पानी चाहिए और हमारा हक चाहिए। इस चीज को अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे साथ आप लोगों ने फिर धोखा किया तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे साहब। और अगर इस चीज में कोई भी गलत कदम उठाता है तो उसका जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होगा, शासन प्रशासन होगा। आप मूल प्रति निकलाओ पांचना की, आप पांचना की मूल प्रति निकलाओ। पांचना किस लिए बना था, कब बना था, इसमें कितने बांध बनने थे? अगर किसी के पास मूल प्रति नहीं है और बुक नहीं है तो मेरे पास आ जाना, आपका स्वागत है नंदी किराए पर, हर शासन प्रशासन के अधिकारी साहब का और हर उस कमांड वाले क्षेत्र लोगों का, सबका स्वागत है यहाँ। आप आओ, हम हमेशा तहे दिल से आपको गले लगाते आए, आगे भी लगाएंगे। लेकिन ये जहर वाली भावना मत भूलो। जनता के हित की बात सोचो जनप्रतिनिधियों। आप 5 साल के एमएलए बन जाओ, क्या कर लोगे जिंदगी में? लेकिन तुमको कोई पूछेगा नहीं आने वाले समय में। जब आप जनता का हित नहीं करोगे तो आप लोगों के कीड़े पड़ेंगे, लिख रहे हैं नई बात। जनप्रतिनिधि पैसा ही सब कुछ है क्या? पानी नहीं मिलेगा जीवन में, क्या करोगे आप? मेरा सब भाई से निवेदन है, पिंटू भाई 360 लोग गांव को मैं जागृत करता है, वो आगे भी करूंगा। लेकिन आप सभी भाइयों से निवेदन है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए, पोस्ट को शेयर करें, आप भी जागृत करें। मैं भी एक जवान हूं,
सुबह 7 बजे का घर से निकलता हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, धंधा भी कर रहा हूँ, और अभी कूड़ मोड़ने भी जाऊँगा मेरे भाइयों। पानी चल रहा है बिजली, जब मैंने देखा है वहाँ मेरी प्लाई पे 200 रुपये घंटा पानी ले रहा हूँ मैं, ये देख लो अभी भी कूड़ मोड़ने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ उस रात में अगर किसान को पानी नहीं है, 6 घंटे लाइट नहीं है, हैं आप लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस देश को बेच रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए। और आप किसान जवान की बात करते हो, किसान को 2000 रुपये आप अगर खाते में डाल दे तो किसान खुश हो जाएगा, उसे पूर्ति हो जाएगी किसान की। लेकिन साहब गरीब आदमी क्या करे, किसान बेचारा, किसान की फसल की आप कीमत देते हो 1200 रुपये, 1300 रुपये, 5000 रुपये। व्यापारी आज खाद के कट्टे की आप हालत देखो, उस पर कभी कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता। जनप्रतिनिधि तो एक बार MLA बन गया, शाम को मस्त है, बस बढ़िया क्वालिटी की लाएगा, पिएगा, खाएगा, मजे करेगा। शर्म आनी चाहिए से जनप्रतिनिधि को जो अभी क्षेत्र में आता नहीं कभी। मैं टोडा भीम जनप्रतिनिधि को, हिंडौन जनप्रतिनिधि को, इनको शर्म आ, हिंडौन की स्थिति देखो आप लोग, टोडा भीम की स्थिति देखो, इतना जातिवाद गया भी था MLA, मैंने टोडा भीम को कभी नहीं देखा। बिल्कुल गुजर बेल्ट के अंदर 1% काम नहीं कराया, बताओ यार, शर्म आनी चाहिए उस MLA को। और बात करता लंबी, पायलट के नारे से वोट नहीं मिलेगा MLA साहब, गम्मी नदी पर अपना स्पष्ट रुख करना और आ जाना नंदी गढ़ाए पर कभी। और पहले मैं कहता हूँ चीजें, चारों MLA टोडा करौली जिले के विधान, जितने भी करौली जिले के 4 विधानसभाएं, चारों MLA ऐसे गए भी थे MLA, मैंने कभी नहीं देखे। मैं आज स्पष्ट और कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधि जो आप जनता को सिर्फ लड़ाने की बात करते हो, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करते हो, हैं? एक MLA जो बोल रहा है कि तो बांध में गिरेंगे, साहब बांध में कोई नहीं गिरेगा, सबको पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए साहब। आप जो चीज है वो आप काम करो साहब, आपके अपनी 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 जवाबदारी पूरी करो, आप जनता की बात छोड़ो, जनता तो ऐसे खुश रहेगी, आप अपनी काम तो पूरी करो साहब। बस आपको बढ़िया क्वार्टर मिल गया जयपुर में, बढ़िया गाड़ी मिल गई, आप मौज मस्ती करो, जनता भाड़ में जाए। लेकिन अब जनता ऐसी नहीं होगी, अब जनता जागृत हो गई है, और आने वाले समय में ये 2023 में आप देख भी लेना। ओके, एक बार सभी भाइयों से जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, और ये आपका किसान पुत्र और जवान हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। मेरा तो आप सब भाइयों से निवेदन है, जितने भी भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं मेरे से आज लाइव में आप जुड़े, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 4 दिसंबर 2022 रविवार को आप कटारा नंदी भूमिया पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं, वहाँ रणनीति बनाएंगे। मेरा एक ही मिशन है, वो यही है, गंभीर नदी पहले की तरह 12 महीने बहनी चाहिए। मैं ना कमांड क्षेत्र का विरोध कर रहा हूँ, ना 39 गाँव का विरोध कर रहा हूँ, हर भाई किसान है, और किसान की हमेशा कोई जात नहीं होती है। किसान कौम को मैं सलूट करता हूं, मैं किसान पुत्र हूं और साथ साथ में जवान भी हूं, लेकिन ऐसे जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी वोट की राजनीति करते हैं, और उस राजनेता के साथ कुछ लोग रहते हैं जिनको खाने पीने को कुछ चाट मसाला मिल जाता है, उस दिन मुझे करौली में मिले थे वो ऐसे चाट मसाले वाले लोग, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, वो पौवा के पाजी हैं। सुबह 7 बजे के जाते हैं, 9 बजे शाम को घर आते हैं, मेहनत करते हैं, रात को भी कूड़ मोड़ते हैं, हम किसान पुत्र हैं, ना किसी से डरते हैं, और दम खम से अपनी बात रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। हर चीज का एक चपरासी से लेकर के ऊपर तक सबका सम्मान करते हैं, जो गलत होगा उसका ठोक के विरोध करते हैं और उसको जूता भी मारेंगे, जो गलत होगा उसको जूता भी मारेंगे, ये लिख के दे रहे हैं हम। और पिटते आए उनके वीडियो भी देखोगे आपने, जो अभी बड़ी बड़ी भाषा बोल रहे थे उस दिन करौली में, उनके जूते भी पड़े, उनके चूतल भी सेके होंगे, आपने पता है। ओके साथियों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से तहे दिल से आभार, और एक बार फिर से इस जवान और किसान पुत्र का आपको राम राम। 4 तारीख को मिलते हैं सर किसान महापंचायत में कटारा नंदी भूमिया पर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम सा। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मेरा 1% कोई स्वार्थ नहीं है, इस जनता के हितों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा, ये मेरा उद्देश्य है एक किसान पुत्र जवान होने के नाते। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम सा।